वेलकम टू देवरिया प्राइवेट आईटीआई। पिछले वीडियो में हम लोग सरल मशीन और उत्तोलक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि सरल मशीन और उत्तोलक के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या चीज़ होता है, हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, हम कहेंगे एक मशीन तो हम लोग सरल मशीन पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आइए हम न्यूमेरिकल को लेते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है यह लिखा है कि एक मशीन जिसका भार 600 किलोग्राम है। कोई मशीन है जिसका वजन कितना है, 600 किलोग्राम का उसका वजन है, और उसे 5 मीटर उठाना है। 5 मीटर उठाने के लिए आपको 60 किग्रा का बल लगाया जाता है। नहीं, उस मशीन को 5 मीटर हाइट पे उठाने के लिए हमको 60 किग्रा का बल लगाना पड़ता है। यदि प्रयास द्वारा 15 मीटर की दूरी तय करता है, यानी उसे उठाने के लिए हमको 15 मीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है, तो हमको क्या निकालना है, उस मशीन का यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और दक्षता यानी एफिशिएंसी ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एफिशिएंसी का फार्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ब्लास्टी रेशियो क्या होता है, इस चीज को हम देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यांत्रिक लाभ होता क्या है, तो यांत्रिक लाभ का हमारा जो फार्मूला बताए थे कि भार उठाया गया भार तथा लगाया गया प्रयास का जो अनुपात होता है उसी को यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यांत्रिक लाभ हमारा, सबसे पहले यांत्रिक लाभ निकालेंगे तो हमारा यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ का जो फार्मूला होता है यानी भार बटे प्रयास, जिसको हम भार को W से और प्रयास को P से लिखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, भार बटे प्रयास। भार हमारा कितना दिया है, 600 किलोग्राम। जो मशीन का वजन है वही हमारा भार हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और प्रयास क्या होता है, उस वेट को उठाने के लिए जो बल लगाया जाता है वही हमारा प्रयास कहलाता है। तो इस 600 किग्रा के वजन को उठाने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ रहा है, 60 किग्रा का बल लगाना पड़ रहा है। तो हमारा प्रयास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से जब साफ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो एक बार में जाएगा यानी 10 आ जाएगा। तो हमारा यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकली मान देता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, यानी ये यूनिटलेस होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज का कभी कभी यूनिट पूछ लेता है कि मैकेनिकल एडवांटेज का इकाई क्या है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिटलेस होता है। तो यहां से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया। अब हमको क्या करना है, ये हमारा निकल गया, दूसरा हमको क्या निकालना है, वेगानुपात निकालना है। तो वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो वेगानुपात जो होता है, वेगानुपात जिसको हम कहते हैं VR, वेलोसिटी रेशियो। तो वेगानुपात क्या होता है, ये होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी। क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और बटे होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। क्या होता है, भार द्वारा चली गई दूरी। तो यहां हम देखेंगे कि प्रयास द्वारा कितना दूरी तय कर रहा है। तो क्या लिखा है कि 600 किलोग्राम को 5 मीटर उठाना है, यानी भार कितना चलेगा, 5 मीटर।
और कितना दूरी प्रयास लिखा है, प्रयास द्वारा 15 मीटर की दूरी तय करता है, यानी जब 15 मीटर जब वो डिस्टेंस तय करेगा तब हमारा भार 5 मीटर चलेगा। तो यहाँ से हमारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगा, और एक भार द्वारा कितना दूरी चल रहा है 5 मीटर, यानी ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमारा वेलोसिटी जो रेशियो आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। इस तरह हम मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे। अब दूसरा क्या है, हमको निकालना है एफिशिएंसी। तो हम जो या मालूम हो गया उसको लिख लेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, ये हमारा कितना आया है, ये हमारा 10 आया है, और वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, वेलोसिटी रेशियो हमारा 3 आ गया। अब हमको निकालना है एफिशिएंसी, हमको दक्षता निकालना है। दक्षता क्या होता है, तो हमारा दक्षता जो होता है, दक्षता जिसको हम पता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। क्योंकि एफिशिएंसी को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आया है, 10 आया है, तो हमारा ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो 3 आया है, इनटू 100 से गुणा कर देंगे ये हो जाएगा कि 1000/3, ये हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी जो हमारी निकल के आएगी वो हमारा कितना आ जाएगा, 1 3 बार में जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा और ये 3 हो जाएगा, पॉइंट इतना। इस तरह हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 3 बार में जाएगा, यानी इतना परसेंट हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, दक्षता, दक्षता, दक्षता जो होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज पांच वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना है, 10 है, और बटे वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना है, 3 आया है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.33 आएगा। इसको परसेंटेज में जब कैलकुलेट करेंगे इसे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा एफिशिएंसी होगा, अब परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगा 3.33 × 100, ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो पिछला क्वेश्चन दिए थे उससे बेस्ट ये भी है। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक मशीन जिसका वेट कितना है, 800 किग्रा है, और उसे अब 10 मीटर उठाना है, उसे उठाने के लिए 40 किग्रा का बल लगाया जाता है, यदि प्रयास 5 मीटर है, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी है 5 मीटर, तो उसका यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और एफिशिएंसी निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे तीनों का, तो जो हमको दिया है उसको पहले नोट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया है भार, दिया है भार कितना दिया है, भार W जो दिया है ये हमारे पास 800 है, ये कितना है 800 किलोग्राम है। फिर क्या दिया है, ये 10 मीटर दिया है, क्या प्रयास भार द्वारा चली गई दूरी, और ये प्रयास कितना दिया है, प्रयास, प्रयास जो दिया है पी, ये हमारा दिया है 40 केजी, 40 केजी हमारा प्रयास दिया है,
भार द्वारा चली गई दूरी कितना है, यही हमारे पास है, उसे 10 मीटर उठाने के लिए तो जो मशीन है तो उसका वेट जो हाइट उठता है वही उसकी डिस्टेंस होती है। तो हमारे पास भार द्वारा चली गई दूरी है, भार द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, यह हमारा 10 मीटर हो जाएगा। और प्रयास द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो हमारा कितना है, 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो हमको ये चीज सारा दे दिया है, हमको क्या निकालना है, मैकेनिकल लाभ। तो यांत्रिक लाभ का सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, जिसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, ये होता है हमारा भार बटे प्रयास, यानी W/P। W हमारा कितना दिया है, 800 दिया है, P कितना दिया है, 40 दिया है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये दो बार में जाएगा, 4 दुनिया में जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिकल लाभ निकल गया। इसी तरह हम वेगानुपात निकाल लेंगे, वेगानुपात क्या हो जाएगा, तो हमारे पास वेगा जो अनुपात होगा, वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो, ये जो हो जाएगा हमारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे क्या हो जाएगा, भार द्वारा चली गई दूरी। तो यहां से हमारा वेलोसिटी रेशियो कितना निकल के आएगा, वेलोसिटी रेशियो जो हो जाएगा भार द्वारा कितना दूरी चल रहा है, तो भार द्वारा हमारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी 5 मीटर है और भार द्वारा चली गई दूरी 10 मीटर है। तो हमारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और भार द्वारा जो चली गई दूरी है कितनी है, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। ये हमारा वेगानुपात निकल जाएगा। तो हम मैकेनिकल लाभ जो आया था, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आया था, वो 20 आया था। वेलोसिटी रेशियो कितना आया हमारा, वेलोसिटी रेशियो 0.5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का फार्मूला लगा देंगे तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी है तो इस तरह प्रदर्शित करते हैं तो हमारा हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आया है, 20 आया था, 20 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा वेगानुपात, ये 20 हो जाएगा, इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमारा एफिशिएंसी कितना है, 40। जब परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होती है, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 करते हैं, एफिशिएंसी इस तरह परसेंटेज में निकल जाएगी। तो हमारा ये कितना निकल गया है, 40, अपने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 4000% निकल जाएगा। तो इस तरह इसकी एफिशिएंसी निकल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये लिखा है कि एक ब्लॉक जिसका वजन 50 ग्राम है, उसे उठाने के लिए 10 किलोग्राम का बल लगाया जाता है, यदि वेगानुपात 20 है तो यांत्रिक लाभ और दक्षता ज्ञात करना है। तो उस ब्लॉक का जो वजन है वो 50 केजी का है और उस 50 केजी वेट को उठाने के लिए हमको जो फोर्स लगाया जाता है वो 10 केजी का लगाया जा रहा है। यहाँ वेगानुपात आपको दे दिया है, आपको मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी निकालना है। तो आप सीधे फार्मूले पर रख देंगे, यहाँ आपका मैकेनिकल एडवांटेज वाले निकालेंगे तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा उठाया गया भार डब्ल्यू बटे लगाया गया प्रयास। तो ये हमारा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा डब्ल्यू हमारा 50 है और प्रयास कितना लगाया जा रहा है, 10 का, तो
ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया, यहां से मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, हमको निकालना है एफिशिएंसी दक्षता। तो दक्षता बराबर हमारा क्या हो जाता है, दक्षता बराबर हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 5 आया है, वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है, तो वेलोसिटी रेशियो हमारा दिया है 20। तो यहां से वेलोसिटी रेशियो 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी जो आ जाएगी हमारी ये 25% एफिशिएंसी निकल के आए। तो इस तरह हम मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी को निकाल लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपका आएगा इसी बेस पे सारा होगा, टोटल आपको फार्मूले पर रख देना है, आपको जो दिया है उसको लिख लेना है और जो नहीं दिया है उसको फाइंड करना रहता है। आप जहां जो मान दिया रहेगा रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लीवर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि लीवर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है लीवर का। क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक छड़ जिसकी लंबाई 10 मीटर है, कोई छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। कह रहा है छड़ के एक सिरे से 3 मीटर की दूरी पर आलम पट्टिका है। जो छड़ है उस छड़ के एक सिरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा एक आलम है, उसी पर टिका हुआ है। कह रहा है उस सिरे पर 500 किलोग्राम का भार उठाने के लिए छड़ के दूसरे सिरे पर कितना बल लगाना पड़ेगा। यानी अगर हमको उस सिरे पर 500 किग्रा का वेट है और उसको उठाना चाहते हैं तो हमको छड़ के दूसरे सिरे पर कितना फोर्स लगाना पड़े कि वो वेट हमारा उठ जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। एक हमारे छड़ हो गए, क्या करेंगे हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा छड़ हो गया। ये छड़ क्या हमारे ए और बी है, ए बी हमारे ये छड़ है, इसकी लंबाई कितनी है, ये 10 मीटर है। टोटल हमारा कितना है, 10 मीटर है। कह रहे क्या, 10 मीटर की छड़, छड़ के एक सिरे से 3 मीटर की दूरी पे, तो छड़ के दो सिरे हैं ए और बी, इस किसी एक सिरे से 3 मीटर ले लीजिए। अगर यहां से लेते हैं तो यहां से 3 मीटर, अगर इस सिरे से लेते हैं तो 3 मीटर, तो हम इस सिरे से 3 मीटर की दूरी पे ए ले लेते हैं, ये हमारा कितना हो गया, 3 मीटर हो गया यहां तक। तो शेष कितना बच गया हमारा, ये हमारा 7 मीटर बच गया, क्योंकि टोटल हमारी जो लेंथ है वो 10 मीटर की है। तो अगर एक सिरे से 3 मीटर लेते हैं तो दूसरे सिरे से हमारा कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कह रहा है आलम लगा हुआ है, ये आलम लगा हुआ है, ये ए सिरा है और ये बी सिरा, यहां से इसकी कह रहा है इस सिरे पर हमारा वेट लटकाना है, कितना 500, कितना 500 केजी का, ये हमारा 500 केजी का वेट उठाना है और इस पे आलम लगा हुआ है जिसे ये घूम सकता है। तो कह रहे इस पर कितना बल लगाना पड़ेगा, इस बी पर कितना फोर्स इधर लटकाना पड़ेगा जिसे ये वेट ऊपर उठ सके। तो ये हम निकालना है, तो हम पहले इसकी डिस्टेंस देख लें आलम से, तो ये हमारा 3 मीटर है और आलम से इस बी की दूरी 7 मीटर है। तो जब भी हम लीवर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम आघूर्ण का सिद्धांत लागू करेंगे। आघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है कि बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबा दूरी, यानी आलम जहां होता है वहां तक ही लंबा दूरी। जो
लीवर होता है वो बल आघूर्ण पे काम करता है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये 500 है तो हम क्या लिखेंगे 500 इंटू बल, ये हमारा 500 हो जाएगा इंटू इसकी डिस्टेंस 3 मीटर है, इक्वल हो जाएगा ये हमारा कितना है, ये बी हमको फोर्स निकालना है, बी पर कितना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, तो फोर्स इंटू इसकी डिस्टेंस, तो इस फोर्स से इस आरंभ के बीच की दूरी कितनी है 7 मीटर। तो बल आघूर्ण क्या होता है कि आलम से दाएं साइड का आघूर्ण और आलम से बाएं साइड का आघूर्ण जो होता है इक्वल होना चाहिए, इसी पे हम साल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा और ये हो जाएगा F into 7। यहां से 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा F जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 1500 बटे 7। तो यहां से हमारा कितना निकल के आएगा, 7 से इसको भाग देंगे, 7 × 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 × 7 3 बचेगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 × 6 28 2 बचा फिर 7 × 14 7 3 21 यानी इतना, ये लमसम हमारा 214.2 किलोग्राम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह हम उतने फोर्स लगाकर हम इस 500 वेट को उठा सकते हैं। यही हमारा आघूर्ण के सिद्धांत पे लीवर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये आपके सामने फिगर दिख रहा है जिसमें एक छड़ ए बी है और बीच में एक आलम दिखाया गया है, यफ है, आलम को हम यफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एक सिरे पर प्रयास लगाना है, दूसरे सिरे पर हमारा 100 केजी का वेट लगा हुआ है। हमको क्या पूछा गया, प्रयास पूछा गया है कि इस 100 केजी के वेट को उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आघूर्ण का सिद्धांत लगाएंगे कि आघूर्ण जिसके सिद्धांत पे काम करता है वो फार्मूला लगाएंगे आघूर्ण। तो हमारा आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबा दूरी। तो जो बल होता है उस बल को लिखते हैं और डिस्टेंस का कौन लिखते हैं, तो जिस बल जिस पॉइंट पे बल लगाते हैं उस पॉइंट से जहां तक आलम्ब होता है उस आलम्ब की जो डिस्टेंस होती है वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम आघूर्ण का सिद्धांत लगा देंगे, आघूर्ण लिखेंगे क्या, आघूर्ण के सिद्धांत से, आघूर्ण के सिद्धांत से, क्योंकि लीवर जो है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आघूर्ण के सिद्धांत से हमारा क्या होता है बल, यानी कि हमारा क्या है प्रयास, हमको निकालना है प्रयास गुणे इससे लंबा दूरी। तो यहां से ये देख रहे हैं लंबा है, तो लंबा दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 25 है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इक्वल टू, अब ये हमारा आलम्ब है तो आलम्ब के इधर बाएं साइड है इधर दाएं साइड है, तो हम क्या करेंगे अब बल, ये हमारा क्या वेट है, तो वेट कितना है, तो वेट हमारा 100 है, तो 100 इंटू इसकी लंबा दूरी, तो इसकी लंबा दूरी कितनी हो जाएगी, ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यहां से हम पी निकाल लेंगे तो हमारा पी क्या निकल के आएगा 100 × 20/25, ये हमारा प्रयास निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे चार बार में कट जाएगा, ये 20 × 80, तो ये हमारा 80 किग्रा का प्रयास लगाना पड़ेगा, यानी जो पी की वैल्यू हो जाएगी ये हमारा कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम आ जाएगा। 80 किलोग्राम का वेट यहाँ रखा जाए तो इस भार को आसानी से उठाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है लीवर का है, इसमें
ये अलग अलग पॉइंट पे हमारे अलग अलग वेट लटकाए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, इसे संतुलन करना है। संतुलन करने के लिए इस एक्स की दूरी क्या होगी? अगर इस छड़ को संतुलन में करना है तो उस संतुलन के लिए एक्स की दूरी क्या होगी? तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो संतुलन के लिए हम क्या करेंगे, संतुलन के लिए एक्स की दूरी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। कि एक्स कितना रहेगा कि ये हमारे छड़ जो है संतुलन में हो जाएगा। तो हम आघूर्ण का सिद्धांत लगाएंगे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष इक्वल रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ ए और बी है, हम अलग अलग पॉइंट से, ये हमारा क्या है आघूर्ण है, इसी पॉइंट पे आलंब है, तो आलंब पे हम आघूर्ण लेते हैं, तो बल पहले कितना है 5 है, तो 5 इंटू इसकी दूरी आलंब तक, तो कितना आ जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, 5 है और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी 10 हो जाएगा। प्लस अभी दूसरा बल हमारा इधर है, तो 15 गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, तो 8 है, 8 लिखेंगे। प्लस तीसरा बल क्या है, 10 है, तो 10 गुणे इसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितनी है, 5 है, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हम आलम के एक साइड में इधर लिखेंगे और आलम के दूसरे साइड जब हम आघूर्ण ले रहे हैं तो उसे दूसरे साइड में लिखेंगे। तो ये हमारा 3 फोर्स था, 5, 15 और 10, तो तीनों बल को लिख लिए और यहां से उसकी आलम तक की दूरी लिख लिए। अब यही चीज हम दूसरे साइड में करेंगे। दूसरा साइड में क्या है, फोर्स कितना है, 20 है, तो 20 इंटू इसकी रेखा की दूरी कितना हो जाएगा, 3 प्लस x, यह हो जाएगा 3 प्लस x हो जाएगा। प्लस दूसरा बल क्या है, 12 है, तो 12 गुणे इसकी दूरी कितनी है, x। अब इसी को हमको सॉल्व कर देंगे तो x की हमारी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर हम इधर क्या हो जाएगा, 20 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x, और ये प्लस 12x, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 220 आ जाएगा, ये 50 50 100 हो जाएगा, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। इसका टू कितना हो जाएगा, 60 प्लस ये कितना हो जाएगा, 32 यानी 32x हो जाएगा। ये इधर आएगा तो घट जाएगा, हम इसको यहां लिख लेते हैं, 220 इक्वल टू 60 प्लस 32x, ये 32x है। हम क्या कहेंगे, 60 को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 220 माइनस 60 इक्वल टू 32x, ये घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 220 में से जब 60 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा इक्वल टू 32x, यहां से हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 160 बटे 32, तो 16 गुना 32 ये हो जाएगा 10/2 यानी 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। इस तरह ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की जो वैल्यू होगी ये 5 मीटर आ जाएगी। अगर ये 5 मीटर हो जाएगा तो ये हमारा दंड क्या हो जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके उत्तरों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा आपको आघूर्ण पे कार्य करना है जब भी लीवर का क्वेश्चन दिया, लेकिन ध्यान देना है कि आलम्ब तक डिस्टेंस लेना है। अगर आलम्ब से एक साइड फोर्स है तो उसको आघूर्ण अलग एक साइड लिखेंगे, और आघूर्ण से दूसरे साइड जब फोर्स लगे तो आघूर्ण हमको हम दूसरे साइड में लिखेंगे। धन्यवाद।